यस स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आईआईटी जेई पॉइंट ऑफ व्यू। आईआईटी जेई में कॉम्प्लेक्स नंबर के कई सारे क्वेश्चंस मिलते हैं हर साल, एवरी ईयर वन क्वेश्चन तो मिलेगा, कभी कभी टू क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। और स्टार्टिंग में मैं सारे आपके साथ जो क्विक रिविजन करवा रहा हूँ वो इलेवंथ के टॉपिक लेने का एक ही पर्पज है, क्योंकि हम इलेवंथ में कई बार अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाते। ट्वेल्थ के टॉपिक आपने अभी अभी कवर किए, ट्वेल्थ का एग्जाम दिया तो वो अच्छे से आते हैं, और आप कई समय से बोल भी रहे हैं कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर का रिविजन जरूर करवाइए, इसलिए क्विक रिविजन कर रहा हूँ। और आप एक बात नोटिस करेंगे कि ये क्विक रिविजन में हम बहुत कम समय में कॉम्प्लेक्स का पूरा रिविजन भी करेंगे, पॉसिबल मिस्टेक जो जो होती है वो भी मैं आपके साथ बताऊंगा, और जो जेई में क्वेश्चंस आए हैं उनको भी सॉल्विंग अप्रोच बताऊंगा कि क्वेश्चन देख के क्या थॉट्स आपके अंदर आना चाहिए। अभी हमने कंप्लीट किया है, बाइनोमियल का रिवीजन कर लिया, क्वाड्रेटिक का रिवीजन करा है, प्रोग्रेशन का करा है, आप देखेंगे कि टॉपिक्स कैसे रिलेट करना है। क्वाड्रेटिक का रिवीजन में जो चीज़ें मैंने बताई थी वो सब कॉम्प्लेक्स में कहीं ना कहीं काम आने वाली, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में क्वाड्रेटिक वाले कई क्वेश्चंस मिलते हैं। इनफैक्ट अगर इनकी क्लास देखें तो क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स एक ही साथ मिलेगा आपको। तो इसमें कहाँ क्या चीज़ें करनी है, क्वाड्रेटिक में आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सब चीज़ें आपको समझ के चलनी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरा पोर्शन कवर करूँ, जो चीज़ देंगी वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू कवर करूँगा। और मैं आपको फिर बोलूँगा जब भी रिविजन करें तो बुक ओपन करके ना करें, बुक क्लोज करके करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो थ्योरी छूट गई है वो रिवाइज करें, और इन सबके बाद भी कुछ मिसिंग है तो बुक ओपन करें। ये एक आपको एक चीज फॉलो करना चाहिए, इसका बहुत फायदा मिलेगा। और याद रखिए मैथ्स की सबसे अच्छी ट्रिक होती है क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, मिनिमम स्टेप मेंटल वर्क मैक्सिमम, इतना स्ट्रॉन्ग कंसेप्शन पढ़ो कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए। अब जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो आपको पता है नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो नंबर टू टाइप के होते हैं, वन इज रियल, सेकंड इज इमेजिनरी, और रियल इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। बेसिकली जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। आयोटा क्या है आपको पता है, अगर मैं बोलूँ रूट फोर तो आप इमीजिएटली बोलते हो टू, मैं बोलूँ रूट नाइन तो आप इमीजिएटली बोलते हो थ्री, पर रूट माइनस फोर तो आप बोलते हैं रूट फोर इंटू रूट माइनस वन, और रूट माइनस वन बार बार ना लिखना पड़े इसलिए हम इसे बोलते हैं आयोटा, राइट। रूट माइनस वन बार बार ना लिखना पड़े इसलिए हम इसे बोलते हैं आयोटा। इसका मतलब ये हुआ, अब इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें बिल्कुल बेसिक से लेके हायर लेवल जाना है, इवन जेई के क्वेश्चन तक, और आप खुद फील करेंगे कि आप बहुत इजीली जेई के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो आयोटा रूट माइनस वन इक्वल टू आयोटा मींस माइनस वन, आयोटा इक्वल टू रूट माइनस वन, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, और आयोटा फोर इक्वल टू वन। पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इस पे बेस्ड होता है। इन फोर कंसेप्ट क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं आयोटा पावर 4n की, तो आयोटा पावर 4n 1, आयोटा पावर 4n प्लस 1 इज आयोटा, आयोटा पावर 4n प्लस 2 इज आयोटा स्क्वायर यानी माइनस 1, आयोटा पावर 4n प्लस 3 इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा, राइट। ट्रिक इसकी ये है कि आप सिंपल पावर डिवाइडेड बाय 4 करिए, और रिमाइंडर 0 मिले तो 1, रिमाइंडर 1 मिले तो आयोटा, रिमाइंडर 2 मिले तो माइनस 1, रिमाइंडर 3 मिले तो माइनस आयोटा। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आयोटा पावर 6, 7, 4, 9, 3, 9, 9 कि पूरे नंबर का डिवाइड करना चालू कर देना है। डिविजिबल बाय 4 का मतलब होता है जस्ट बाय लास्ट टू डिजिट, यानी लास्ट टू डिजिट में 4 का डिवाइड करिए, लास्ट टू डिजिट में 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 तो आंसर इज माइनस ऑफ आयोटा। सपोज मैं बोलूं आयोटा पावर 6, 7, 4, 8, 6 क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4, जस्ट डिवाइडेड बाय लास्ट टू डिजिट रिमाइंडर 2, तो आंसर विल बी माइनस। बहुत जल्दी होगा, एंड रिमेंबर 1 अपॉन आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा, 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा इक्वल टू प्लस आयोटा। ये हमेशा याद रखिए कि डिनोमिनेटर में इमेजिनरी, इसका मतलब ये अगर मैं आपसे कभी ये पूछूं कि 1 अपॉन आयोटा पावर 6, 7, 4, 9 तो करने का अप्रोच वही रखिए, पावर 4 का डिवाइड किया रिमाइंडर 1 तो आयोटा दिस इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज अगर इन 4 को तो रिजल्ट विल बी 0, यानी 4 कॉन्जुगेटिव नंबर्स का आयोटा में समेशन हमेशा ही क्या होगा, 0 होगा, राइट। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है। देखिए रिवीजन जब कर रहे हैं, मैं आईआईटी करवा रहा हूं, आईआईटी के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, और आप देखेंगे मिनिमम टाइम में आप रिवाइज कर लेंगे। ऑब्वियसली रेगुलर क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ पढ़ाने वाला टॉपिक है, इसमें पूरा कोऑर्डिनेट के भी कंसेप्ट लगते हैं, इसलिए कई बार हम छोड़ देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ ऑर्डर ऑफ स्टडी में भी कॉम्प्लेक्स सबसे बाद में पढ़ना चाहिए, पर अभी हम ट्राई करेंगे। ये मानते हुए चलूंगा कि बेसिक आपको आता है,
उसके बाद भी रिवाइज भी करवाता चलूंगा, क्योंकि डिटेल में अगर मैं देखूं तो मुझे कम से कम ये लगता है 15 से 20 क्लास वाला टॉपिक है ये, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करते हुए चलेंगे। अब अगर मैंने ये लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि मैं बोलूं आयोटा पावर 67, आयोटा पावर 68, आयोटा पावर 69, आयोटा पावर 70, तो आप आंसर बोलेंगे 0। चेक नहीं करना है, 4 कॉन्जुगेटिव टर्म किसी भी पावर से स्टार्ट हुए हैं, आंसर इसमें 0 ही मिलेगा, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बेसिक प्रॉपर्टी ही नंबर था, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, 1 इज रियल पार्ट, 2 इज इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज वाई, या इसको ए प्लस आयोटा बी से भी लिखते हैं, नॉर्मली एक्स प्लस आयोटा वाई से लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन पोलर फॉर्म, डीमान्स लॉ, इसमें सब में प्रॉब्लम हो, तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। कोशिश यही करूंगा कि क्विक रिवीजन तो क्विक ही करना है, और टाइम में आपको पूरा फुल आउटपुट लेना है। अगेन टारगेट यही होना चाहिए कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, कैसे मोर देन 100 को ला सकें, यही हमारी कोशिश होना चाहिए। अब बात करता हूं मैं कि ऑपरेशंस की बात करें तो याद रखिए रियल से रियल ऐड होगा और इमेजिनरी से इमेजिनरी ऐड होगा, और इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी कोई दो रियल नंबर, बस डिवीजन में याद रखिएगा आपको कॉन्जुगेट की जरूरत पड़ेगी, यानी अगर इसको डिवाइड करने की बात की जाए x1 आयोटा y1, x2 आयोटा y2, तो आपको केवल इसको रैशनलाइज करना होगा, राइट। तो आप सबसे पहले बात करते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो इसका क्या होगा, जो चीज पढ़ने में आप बहुत दिन लगा सकते हैं, 10-10, 15-15, 18-18 घंटे, उसको मेरे साथ आप एक घंटे में ना केवल रिवाइज करेंगे 1 से 1.5 घंटे में, बल्कि सॉल्व करने की टेक्निक्स भी सीखेंगे। तो z बार इक्वल टू x माइनस आयोटा बाय, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखिए क्वाड्रेटिक की रिवीजन क्लास में मैंने था, या फिर एक बार रिवाइज करूंगा, और आप जितने ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं, मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम में मैं आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा रहूंगा, इसलिए ये रिवीजन कर रहा है। देखिए x और x ऐड हो जाएगा तो 2x, और z माइनस z बार अगर आप करेंगे तो 2 आयोटा y, राइट। अब कुछ लीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि z इंटू z बार क्या होगा, तो x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y, दिस इज x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये चीज बहुत हमारे काम में आती है। 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 25, 1 प्लस 7 आयोटा इंटू 1 माइनस 7 आयोटा इक्वल टू 50, यानी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, कॉन्जुगेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस और रिप्रेजेंटेशन से मॉडुलस का कंसेप्ट बनता है, अभी जब हम रिप्रेजेंटेशन पे आएंगे तो वो भी बताता हूँ। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड जेड, अगर एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड इक्वल टू अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जेड होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करता हुआ चलूंगा, जो बेसिक चीजें हैं वो बताता हुआ चलूंगा, जिससे दिक्कत ना आए। कभी कभी रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूछते हैं, यानी जेड इनवर्स, जेड इनवर्स इज सिंपली 1/z, यानी जेड इक्वल टू अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/ x प्लस आयोटा वाई, इसको आप रैशनलाइज कर लीजिए, तो दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। मान लो आपसे बोलूं कि z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 25, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की जब भी बात की जाए तो ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन से करने वाली चीज है, ये ऑप्शन से करने वाली चीज है, बाकी करते कैसे वो बता देता हूँ। कि रूट एक्स प्लस आयोटा वाई का अगर आपसे स्क्वायर रूट पूछा है तो क्या करना, सबसे पहले तो एक बेसिक बात, स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं तो स्क्वायर रूट में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है तो इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही होगी, यानी इसकी फॉर्म होगी ए प्लस आयोटा बी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि विच वन इज करेक्ट, 2 आयोटा इज ग्रेटर देन 3 आयोटा, 2 आयोटा लेस देन 3 आयोटा, 2 आयोटा इक्वल टू 3 आयोटा, नन ऑफ दीज। याद रखिए ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी कोई कंपेयर नहीं होता, रियल में 2 इज लेस देन 3, बट कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आयोटा की कोई वैल्यू नहीं होती, जस्ट रूट माइनस 1 होता है इमेजिनरी, तो इसलिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर की जाएगी तो आप केवल उनको
कंपेयर कर सकते, इनइक्वालिटीज नहीं लगा सकते। तो अगर कभी ऐसा लिखा a प्लस आयोटा b इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, इस मीन्स a इक्वल टू 3 b इक्वल टू माइनस 4, तो कॉम्प्लेक्स का आंसर हमेशा होगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिसमें आप चेक कर सकते हो, अगर यहां पर x माइनस आयोटा y है, अगर यहां पर x माइनस आयोटा y है तो यहां पर भी कंपेयर में प्लस माइनस, तो ये माइनस ही ले, नहीं तो आपसे मिस्टेक होने से कोई रोक। इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि इसकी स्क्वायरिंग करके आप सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको कभी भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आए तो मैं बोलूंगा मेथड पे नहीं जाना, अभी मैं मेथड बता देता हूं। आप सीधे ऑप्शंस की स्क्वायरिंग करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, तो आप बोलेंगे 2, बताएं तो आपके पास जो ऑप्शन दिया 2, इस ऑप्शन का अगर स्क्वायर करें तो यही बनेगा इस सेम। मान लीजिए अगर इसको मेथड से करता है, इसके लिए डायरेक्ट ए और बी के लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, तो हम एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू लिखते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंपेयर करेंगे x ए और y को किससे कंपेयर करेंगे 2ab से, और इसको सॉल्व करते हैं क्या मिल जाता है a और b। इसके लिए आप अलग से एक इक्वेशन लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस ऑफ 4a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर आपको मैं बोलूं अलग से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो, तो आप ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखना है आपको, तो आपने लिखा कितना ए स्क्वायर माइनस ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 ले लीजिए, बल्कि ऐसा आ गया ना। देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, 2ab इक्वल टू वाई, तो आप लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा लिखिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा। अब इन इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू x, और ये आ गया, पहले इसमें वैल्यू रख लो फिर सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को हमेशा स्क्वायर रूट को बोलता हूं ऑप्शन करो, इसलिए। तो यहां पर आपने रखा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे 2ab का होल स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस y स्क्वायर। अब इसको और इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो अपने आप ही आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैंसिल, तो 2a स्क्वायर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x, यानी बेसिकली a इक्वल टू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x, इस पूरे का, याद रखिए क्योंकि ये 2a स्क्वायर है, इस पूरे का ये ब्रैकेट में लिखिए पहले, तो ये a स्क्वायर इक्वल टू है, तो a कितना आ गया, a आ गया 1/2 रूट के अंदर इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं, ये आ गया, इसका मतलब a इक्वल टू एक तरह से आ गया 1/2 मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे ही b इक्वल टू मैं बोलूं तो आप लिखोगे 1/2, सॉल्व करोगे तो मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन के थ्रू मैं बताता हूं कि आपको इसको करना कैसे, क्योंकि इतना सब नहीं करना है, जिन जगहों पर मुझे लगता है जरूरत ही नहीं है आप मेथड से करने, बिल्कुल ना जाए मेथड पे। तो अब क्या होगा कि जैसे मैं बोलूं कि मान लीजिए 7-24 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है, सपोज 7-24 आयोटा, देखिए यहां माइनस लिखा है, इसलिए बी केयरफुल, आप ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं कि ए प्लस आयोटा बी ले लें, बट ये नहीं लेना है। मान लीजिए लेते तो क्या होता, लेना ये है, याद रखिएगा ये नहीं लेना है। सबसे पहले अगर मैं बोलूं a निकालना है, तो आप एक बात याद रखिए, जेड ये है, मेंटली करना है, तो a इक्वल टू होता है रूट 1/2 मॉड जेड, तो 576 49 625, यानी 25 प्लस 7 32/2 16, यानी 4। b निकालेंगे तो कुछ नहीं, 1/2 इसको माइनस कर दीजिए, तो 25 माइनस 7 18, ये 9 18, ये हो गया 9 9 का 3, यानी आपको रूट 7-24 आयोटा इक्वल टू मिला 4, अगर मान लो ये लिखते तो ये लिखते आप 4+3 आयोटा प्लस माइनस, इसका मतलब 4+3 आयोटा माइनस 4-3 आयोटा। अब ये आंसर करेक्ट है कि नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपकी ये मिस्टेक होगी अगर आप करेंगे। अगर मैं बोलूं इसकी स्क्वायरिंग करो तो बताइए क्या होगा, 16-9+24 आयोटा, ये मिला आपको 7+24 आयोटा, जबकि दिया था 7-9, ये तो रॉन्ग था। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपेयर करें, यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है, तो
नेगेटिव लें, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लें, एक्चुअल में ये इसमें आएगा, तो इसका मतलब रूट 7 माइनस 24 आयोटा इक्वल टू आपको मिला प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा। इसका मतलब लॉजिकली एक मिला 4 माइनस 3 आयोटा और एक मिला माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। आप इसकी स्क्वायरिंग करिए, आपको इमीडिएटली ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो जब भी आपको स्क्वायर रूट से रिलेटेड प्रॉब्लम आए, जब भी स्क्वायर रूट से रिलेटेड प्रॉब्लम आए, तो आप केवल इतना सा करिए जो मैंने आपको तरीका बताया कि आप इसकी क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए ऑप्शन की, आपसे ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, राइट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टाइप होती है जो मैं बताऊंगा आपको, कभी कभी ये वाला टाइप आ जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बताऊंगा जिससे कि आपसे कभी भी मिस्टेक ना हो। उसमें करना क्या होता है वो समझ लीजिए। सपोज ऐसा दिया हो क्वेश्चन कि x इक्वल टू सपोज दिया है माइनस 5 प्लस 4 आयोटा। क्वेश्चन देख के बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा है जैसे x4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, इसका वैल्यू बताना है। सपोज क्वेश्चन दिया x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 4 आयोटा, देन द वैल्यू ऑफ क्या बताना है आपको, x4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। अब आप अगर इसकी पावर 4 करने लगे, क्यूब करने लगे, तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम ले। इसकी एक शॉर्ट टेक्निक बताता हूं जो आपके काम आएगी। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए तो देखिए x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 4 आयोटा, देयरफॉर x प्लस 5 इक्वल टू 4 आयोटा, राइट। स्क्वायरिंग ऑन राइट, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इक्वल टू माइनस 16, क्योंकि 16 इस आयोटा स्क्वायर, वो आयोटा स्क्वायर माइनस 1। ट्राई ये करा करिए हमेशा, ये माइनस 41 भी लिख सकते हो या एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब ये जो रिजल्ट आपको मिला है, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। यानी इसमें क्या करेंगे आप, सिंपल इसको बिल्कुल इस फॉर्म में बना लें। कैसे बनाएंगे, तो आपने इसको लिखा x4, 10 लेना है तो 10x क्यूब प्लस 41x स्क्वायर, 9 था 10 लिखा तो माइनस x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, ये पहले का था एडवांटेज। इससे आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 माइनस, अब यहां पर देखिए क्या क्या बचा, माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। इसमें फिर वही कंसेप्ट अप्लाई करें, और तीनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव वाला ले लेंगे, ये जीरो हो गया। अब माइनस एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 41x लिख दिया आपने। अब माइनस एक्स क्यूब बैलेंस है, ये नहीं है तो प्लस 4x स्क्वायर, ये भी नहीं है तो प्लस 40x प्लस 4। पहले देखिए बैलेंस हो रहा है, इसको इससे माइनस किया ये आ गया, इसको इससे माइनस किया ये आ गया, बिल्कुल ठीक। इसमें से आपने माइनस एक्स कॉमन लिया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 और ये इसमें से 4 ले लो कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस ऑफ 4, देखिए ये फिर जीरो हो गया। इसकी वैल्यू आपके पास है माइनस 41, 4 इंटू माइनस 41 प्लस 4 माइनस 164 प्लस 4 इक्वल टू माइनस 160। यानी आपको इसको सॉल्व करने का ये सबसे सिंपल तरीका हो सकता था, और आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए। अगर आपने पावर 4 वगैरह की तो आपका टाइम बहुत बढ़ जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, अक्सर इस पे क्वेश्चन आते हैं, अप्रोच ये रखिएगा, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और मोस्टली क्वेश्चन इसी से बनते हैं या लोकस के बनते हैं, और इस पार्ट में बहुत मिस्टेक्स होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि हम कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होते इसलिए मिस्टेक होती है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, जैसे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया है, तो पहले तो आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन लेना है, टू वर्ड राइट पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। अब याद रखिए एक्स एक्सेस हमेशा रियल एक्सेस होता है, वाई एक्सेस हमेशा इमेजिनरी एक्सेस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकेंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव दिख रहा है आपको, थर्ड में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई, जैसा कोऑर्डिनेट में होता है ट्रिग्नोमेट्रिक प्लेन में होता है बिल्कुल ऐसा ही यहां पर होता है। अब बात आती है इसके बाद कि अब क्या करें, तो इसको पोलार फॉर्म में कैसे, देखिए अगर मैं बोलूं कि एक्स प्लस आयोटा वाई, तो लॉजिकली ये पॉइंट यहां है एक्स और वाई, मैं अगर इसकी फॉर्म बनाऊं तो ये एक्स है ये वाई है, ये आर हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जिसे हम मॉड बोलते हैं, ये मॉड यहां बनाए, यानी मॉड जेड इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इक्वल टू आर। अगर मैं आपसे बोलूं कॉस थीटा लो, तो आप बोलेंगे कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर, देयरफॉर एक्स इक्वल टू
r cos theta, मैं बोलूँ sin theta लीजिए, this is y upon r, means y equal to r sin theta, right? अब अगर मैं यहाँ पर रख दूँ, तो ये इसकी पोलार फॉर्म कहलाएगी। ये बहुत काम में आता, जब भी बड़ी पावर सॉल्व करना हो, nth रूट निकालना हो, इन सब कंसेप्ट में ये चीजें काम आती हैं। तो r into cos theta plus iota sin theta। अब बात आती है कि यहाँ पर थीटा क्या है। थीटा हमेशा टेन से निकलता है, तो टेन थीटा इज वाई अपॉन एक्स, या थीटा, ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक में भी रिवाइज करवाया था, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसको मैं बोलूँगा, ऐसे याद रखिएगा, इमेजनरी जेड अपॉन रियल जेड। अब सारी प्रॉब्लम जो होगी वो क्या होगी वो बता देता हूँ, और वो मिस्टेक अगर आपने समझ ली तो आप जेई के क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, ये थीटा जो है वो माइनस पाई से प्लस पाई में रीड करता है, यानी ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। पॉजिटिव जाएंगे तो पाई तक जाएंगे, और निगेटिव में जाएंगे तो पाई के ठीक पहले। तो थीटा है, इस पे सारी चीजें डिपेंड करने वाली। आप साथ में नोट भी करते हुए चलिएगा, अच्छे से समझ लीजिए कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बात करते हैं कि इसमें कहां कहां दिक्कतें आ सकती हैं, वो चीज समझें, और एक सिंगल क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे लॉजिक, क्योंकि आगे जाके पोलर फॉर्म से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। तो सपोज जेड इक्वल टू, ये चार क्वेश्चन से क्लियर होगा, वन प्लस आयोटा दिया है, तो क्या कंपेयर हमेशा एक्स प्लस आयोटा वाई से ही करिएगा। तो यहां पर एक्स है वन, वाई है वन, आर है रूट टू, सारी कंसेप्ट यहां पर आएगा। टेन इनवर्स वन बाय वन, दिस इज पाई बाई फोर, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर इसकी पोलर फॉर्म लिखते तो आप ऐसा लिखते, रूट टू कॉस पाई बाई फोर प्लस आयोटा साइन पाई बाई फोर, राइट? अब इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है कि अगर मैं ने सही नहीं लिखा होगा तो मैं इसको क्रॉस चेक कर सकता हूं। अगर इसको क्रॉस चेक करूं तो वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू कैंसिल, करेक्ट है। अब अगर मान लो आपको यहां पर इसकी जगह ये दिया होता, जेड इक्वल टू वन माइनस माइनस वन प्लस आयोटा मान लीजिए, तो क्या होता? तो आर तो अभी भी रूट टू होता, पर टेन थीटा की जब बात आती तो आप लिखते टेन इनवर्स वन अपॉन माइनस वन। अब ये देख के क्या लिखेंगे, यहां पर आके उलझन होती कि माइनस पाई बाई फोर लिखें, प्लस पाई बाई माइनस थ्री पाई बाई फोर लिखें, क्या लिखें? तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप भूल जाएं कि माइनस है, आप वन बताएं कितना होगा पाई बाई फोर। अब समझिएगा कि अगर मैं कंसेप्चुअली समझूं तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई बाई फोर ही एंगल बनाइए, एंगल हमेशा एक्स के साथ बनता है, पर मेजर यहां से यहां करेंगे तो क्या आएगा, थ्री पाई बाई फोर। सारा प्रॉब्लम आर्गुमेंट का होता है, दिस इज थ्री पाई बाई फोर। तो इसकी पोलार फॉर्म होगी वन की, रूट टू इन टू कॉस थ्री पाई बाई फोर प्लस आयोटा साइन थ्री पाई बाई फोर। क्रॉस चेक करना है कर लीजिए, दिस इज माइनस वन बाय रूट टू, दिस इज प्लस वन बाय रूट टू, यही रिजल्ट मिला रूट टू से रूट टू कैंसिल। अब अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए ऐसा दिया होता, यहां से यहां पे अगर आपने गड़बड़ कर दी, आपके कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन गलत होंगे। अभी मैं एंड में पहले पूरा एक बार थ्योरी रिवाइज कर दूं, फिर आपके इसके वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसमें कि मैंने जो कि आईआईटी में आए हुए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आप कहां लैग करते हैं, क्योंकि सब कुछ पता होता है, हमें आता भी है, पर फिर भी गलत होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं। वो मिस्टेक्स क्या है वो मैंने आपको क्वाड्रेटिक में बताया, प्रोग्रेशन में भी वो मिस्टेक्स। तो यहां पर देखिए माइनस वन माइनस आयोटा है, सिंपली यहां पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस वन, वाई इक्वल टू माइनस वन। आर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब थीटा की बात की जाएगी तो टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन माइनस वन। अब यह आ गया टेन इनवर्स वन, ये वन है, ये भी वन है। इसको देख के 90% लोग ये गड़बड़ कर देते हैं, पाई बाई फोर लिखा और क्या लिख दिया, रूट टू कॉस पाई बाई फोर, समझा रहा हूं, प्लस आयोटा साइन पाई बाई फोर। सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करूं तो ये आता है, ये कैसे हो सकता है, दिस इक्वल टू नो। तो यही एक चीज है जिस पे आपको करना है, ये निगेटिव निगेटिव ही लिखा रहने दे, वन प्लस नहीं लिख के। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, पाई बाई फोर ही बनेगा एंगल, पर मेजर यहां से करोगे तो कितना, माइनस थ्री पाई बाई फोर। अगर यहां से करते तो 5 पाई बाई फोर लिखते, पाई प्लस पाई बाई फोर, पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेने की आदत डालो, दिस इज माइनस थ्री पाई बाई फोर। अब मैं अगर लिखता, सुनिए, अब मैं लिखता रूट टू कॉस माइनस थ्री पाई बाई फोर प्लस आयोटा साइन माइनस थ्री पाई बाई फोर, देन ये होता रूट टू कॉस माइनस थीटा कॉस होता है, साइन माइनस थीटा साइन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपको ये इसकी पोलार फॉर्म हुई, और इसमें अगर ध्यान दें तो अब मैं इसकी वैल्यू रखूं तो माइनस वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू कैंसिल, तो ये आ गया। ये एक कॉमन मिस्टेक है। और एक अगर मैं ये दे दूं वन माइनस आयोटा,
तो क्या होगा, तो जब वन आयोटा दूंगा तो आप थीटा बोलेंगे, आर तो वही होगा वन अपॉन माइनस वन, देन सेम वही की वही बन रहा। अब अगर मैंने 3π/4 लिख दिया तो ये रिजल्ट आएगा, ये आ ही नहीं सकता, तो मिस्टेक फिर हुई। अब कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में π/4, यानी यहां पर थीटा होगा -π/4, तो इसकी पोलर फॉर्म होगी √2 कॉस। देखिए हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं क्विक कोशिश कर रहा हूं कि जितना आपको बता पाऊं, जितने क्वेश्चन, और मैं श्योर हूं कि अगर आपने इसको अच्छे से समझा तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट बनाएंगे। cos π/4 -iωsin π/4, राइट। इसका अब इसको आप अगर कन्वर्ट करेंगे आपको यही रिजल्ट मिलेगा। तो पोलर फॉर्म में बहुत कॉमनली मिस्टेक्स होती हैं, इस पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना आपको कि कहां कहां मिस्टेक हो सकती है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताऊंगा कि ये एक पार्ट हुआ जो क्वाड्रेटिक में भी बताया था, जो आपके हमेशा काम आएगा। एक तो पोलर फॉर्म लिखते समय केयरफुल रहिएगा कि आर्गुमेंट में मिस्टेक ना हो। अब दूसरी बात करते हैं कि मान लीजिए जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, जिसकी पोलर फॉर्म होती है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। याद रखिएगा अगर कभी भी इसका कॉन्जुगेट दिया हो, जो मैंने बताया था ये बहुत काम के कंसेप्ट है, तो ये हमेशा ही ये होगा। और इसका कभी भी एडिशन बोला जाए, अगर आपने क्वाड्रेटिक या प्रोग्रेशन बाइनोमियल की क्योंकि रिवीजन क्लास नहीं देखी तो वो जरूर देखो, जेड प्लस जेड बार तो ये हो जाएगा 2r cos थीटा, और अगर माइनस करेंगे तो 2r iota sin थीटा। और एक वैसे एक जनरल बात याद रखिए, cos के x रियल के साथ cos आता है और इमेजिनरी के साथ हमेशा ही sin आता है। तो ये फॉर्म का फायदा ये होता है कि आपको जैसे डीमार की बात करें तो क्या होता है कि अगर मैं बोलूं जेड पावर एन निकालो, यानी एक्स प्लस आयोटा पाई की पावर एन, तो ये थ्योरम आपने पढ़ी है, तो ये डायरेक्टली लिख सकते हो आर पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आयोटा एन थीटा। अगर जेड बार की पावर एन है, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, काम आएंगे कॉन्जुगेट के लिए, तो ये होगा कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। डी मार्गन्स लॉ ये कहता है कि डायरेक्टली पावर जो है, यूलर थ्योरम भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाएगी, राइट। तो अब इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या होगा, बोलो जेड पावर एन प्लस जेड बार की पावर एन, इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 2r पावर एन कॉस एन थीटा। एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन भी आपने देखो मैंने इसी कंसेप्ट पे करवाया था, जेड पावर एन माइनस जेड बार पावर एन देन 2r पावर एन आयोटा साइन एन थीटा, राइट। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी है कि जिसमें हमसे कभी भी मिस्टेक ना हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि कभी भी याद रखिएगा अगर यूलर थ्योरम डी मार्गन्स थ्योरम में अगर ये कभी ऐसा दिया हो साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा की पावर एन, तो इसको बाय मिस्टेक भी ऐसा ना लिख दें, ये नहीं होगा। तो इसको अगर बनाना है तो बना सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू माइनस थीटा होल पावर एन, दिस इज कॉस एन टाइम्स ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा। इन सब के फॉर्मूले मैंने आपको बताए हुए हैं, फाउंडेशन कोर्स जिस ढंग से मैंने कवर किया, अगर कोई उससे पढ़ ले तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको क्वेश्चन ना बने, क्योंकि आप उसको पढ़ने के बाद टेक्निक्स बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत डिटेल में सारी चीजें कवर की गई हैं, तो ये ध्यान रखना है कि यहां पर पाई बाई टू आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कभी ऐसा दिया हो, कभी भी दो से ज्यादा अगर नंबर है तो सीधा सीधा इसमें एंगल ऐड होता जाता है, बस साइन सेम होना चाहिए, यानी कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बची हुई थ्योरी और रिवाइज करवाऊंगा तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ये कैसे निकालते हैं आपको पता है, यानी ओमेगा की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ध्यान रखिएगा, यानी 1 की पावर 1/3, इसका टेक्निक बता देता हूँ मैं। अब नहीं पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देखिए रियल नंबर है फिलहाल में तो मैं इसको एक्स ही लूंगा, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 1 या एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके अगर फैक्टर बनाऊं तो एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक वैल्यू आ गई 1 और एक आ गई 2, इससे निकलेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिलता है, इसको बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, बहुत फायदा होगा।
तो माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा बाय टू, देन माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाय टू माइनस वन, फिर आपने इनकी प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी कि थ्री रूट से एक अल्फा बीटा गामा बोल दें, नॉर्मली इसको अल्फा बीटा गामा नहीं बोलते क्योंकि इसका एक रूट को अगर मैं ये इसका स्क्वायर करोगे दे मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे दे मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे दे मिलेगा, तो इसको एक नए टर्म से डिफाइन करते हैं जैसे ओमेगा बोल, एक को ओमेगा बोल दो आप, राइट right? तो दूसरा अपने आप ही ओमेगा स्क्वायर होता है और तीसरा इन दोनों के मल्टीप्लाई से ये बन जाता है, राइट right? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो अब इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, दिस इक्वल टू जीरो, ओमेगा क्यूब को वन भी लिखते हैं तो कभी कभी ऐसा भी लिखा मिलेगा। क्लियर है बात? अब ये बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं तो हमें याद रखना है वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, वन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस वन, एंड रिमेंबर ओमेगा क्यूब इज वन, तो इससे सारे कंसेप्ट होते हैं ओमेगा पावर थ्री एन वन, थ्री एन प्लस वन ओमेगा, थ्री एन प्लस टू दिस इज ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब बात करते हैं कि इस पे जब क्वेश्चंस बनेंगे तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो एक तो ये बात हो गई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या इनकी प्रॉपर्टीज की। अब इस पावर में ये जो मैंने लिखा है पावर में सिंपली यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थ्री का डिवाइड करिए, रिमाइंडर जीरो मिले तो वन, रिमाइंडर वन मिले तो ओमेगा, रिमाइंडर टू मिले तो ओमेगा स्क्वायर, राइट। यस, अब बचा हुआ रिवीजन पार्ट में थ्रू क्वेश्चंस करवाता हूं जेई के जो अभी अभी आए हुए हैं, उससे थोड़ा और आइडिया लगेगा आपको और बची हुई थ्योरी भी कवर होगी और किस तरह से क्वेश्चंस को मिनिमम टाइम में सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे, देखिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए इक्वल टू, और इसमें शॉर्ट टेक्निक्स क्या क्या होंगी वो बताऊंगा, माइनस पाई बाई टू टू पाई। मैंने आपको पिछली भी क्लास में बोला था कि जेई क्वेश्चन होते हैं उसमें इंटरकनेक्शन बिटवीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर करने से काम नहीं होगा, बाकी भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए टॉपिक्स के। थ्री प्लस टू आयोटा साइन थीटा, वन माइनस टू आयोटा साइन थीटा इज प्योरली इमेजनरी, ये प्योरली इमेजनरी है। देन द सम ऑफ एलिमेंट इन ए, सम ऑफ एलिमेंट इन ए पूछा है कि जो भी इनके एंगल है उनका सम। अब सपोज ये किसी और एग्जाम का क्वेश्चन होता तो आपसे केवल एंगल्स पूछ सकते थे, पर ये क्वेश्चन अलग है। जेई के क्वेश्चंस में ऑप्शन मैंने हमेशा बोला है कम हेल्प करते हैं, एनडीए में ऑप्शन ज्यादा हेल्प करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स का अप्रोच डिफरेंट डिफरेंट होता है और जैसे एग्जाम है वैसे ही अपने आपको आपको तैयार करना चाहिए। तो आप बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें ये बोला है कि जो भी एंगल इसको प्योरली इमेजनरी के लिए सेटिस्फाई कर रहा हूँ उन एंगल का सम, ऑप्शन हेल्प नहीं करता। अगर केवल ये पूछा था किस एंगल पे प्योरली इमेजनरी तो हम ऑप्शन को सेटिस्फाई करवा देते, पर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब प्योरली इमेजनरी का मतलब होता है रियल पार्ट शुड बी जीरो, राइट, रियल पार्ट शुड बी जीरो, यानी उसके रियल पार्ट को जीरो से कंपेयर करना। अब आप क्या करना है, कैसे स्टेप्स को सेव करना है ये चीज समझिएगा। जैसे यहां पर मुझे एक चीज समझ में आ गई कि इसको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर वाला फैक्टर लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, केवल आपको मतलब है न्यूमरेटर वाले फैक्टर से। तो आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, जैसे ये लिखा इसको रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। अब रियल से रियल कब मिलेगा, एक बार 3, एक बार इसको करोगे तो माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। मैं आपको बाकी बाद में समझाता हूं, ये जीरो हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 बाय 4, यानी साइन स्क्वायर थीटा 3 बाय 4, यानी साइन थीटा इक्वल टू रूट 3 बाय 2, साइन थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय 2। अब माइनस पाई बाई टू से पाई तक में जाना है। अब रूट थ्री बाई टू की जब बात की जाएगी तो आपको दो एंगल मिल जाएंगे, कौन कौन से, पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री, जब इसकी बात की जाएगी तो मिलेगा माइनस पाई बाई थ्री। अब इन तीनों एंगल का सम पूछा है तो मैं इन तीनों एंगल को जब आपसे बोलूंगा ऐड कर दो तो आप जब ऐड करेंगे तो वैसे ही दिख रहा है वो, तो बचा क्या, टू पाई बाई थ्री, दिस इज द राइट आंसर, राइट। अब आपको क्या चीज ध्यान रखनी, छोटी छोटी बातें हैं जिस पे आप फोकस करें आपका टाइम सेव हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, अब आपने मान लो ये लिखा, सबसे पहले तो क्वेश्चन कभी भी मत लिखिए, सीधा इंपॉर्टेंट चीज लिखिए। अब आपने ऐसे रैशनलाइज किया, अब रैशनलाइज में आप जब स्टेप लिखते हैं आप जरा इस स्टेप को लिखने का टाइम देखिए, हार्डली मैं बोलूं कितनी भी तेज लिखेंगे आप तो भी एक मिनट लगा देंगे। और मेरी कोशिश ये है कि मैं चाहता हूं कि आप ट्राई
लेस देन वन आवर में पूरे 30 क्वेश्चन मैथ्स के रीच करें, 2-3 ना बने कोई बात नहीं, 100 स्कोर के आसपास करें और उसके बचे हुए टाइम से फिजिक्स केमिस्ट्री पे आए, जबकि करते हम उल्टा है, हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के टाइम को ला के मैथ्स में देते हैं क्योंकि मैथ्स में टाइम लगता है, पर अगर आपकी टेक्निक सॉल्विंग अच्छी है तो आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। देखिए क्या होगा कि अब आपने इसका मल्टीप्लाई स्टार्ट किया, 3 + 2i sin θ + 6i sin θ + 4i² sin²θ अपॉन 1 + 4 sin²θ। अब रियल पार्ट को एक साथ करा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो आपने लिखा -3 - 4 sin²θ + 8i sin θ / 10। अब फिर रियल पार्ट को जीरो एग्जीक्यूट किया जो मैंने आपको डायरेक्ट, यानी कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी, इसे कहते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स, जो मैं हमेशा डेवलप करता हूं, मैं हमेशा पढ़ाते समय यही बात करता हूं, पहले कंसेप्ट बनाओ, स्टेप बाय स्टेप चीजें बढ़ो और फिर उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन को करो। ये बात मैंने बहुत ध्यान रखी कोर्स में और इसीलिए बच्चे अच्छे परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि कहीं घबराने की जरूरत नहीं, गाइडें सॉल्व नहीं करनी, बड़ी बड़ी बुक सॉल्व नहीं करनी, पहले फाउंडेशन पे वर्क करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर हुआ 2π/3। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जो आया हुआ है, आए हुए क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से आइडिया लगेगा कि क्या करना है, क्वेश्चन को किस ढंग से हम मिनिमम स्टेप में सॉल्व कर पाए, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि लेट जेड नॉट बी अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। अब देखिए क्वाड्रेटिक के समय पढ़ाते समय बोला था, इसको याद रखिए कि इस इक्वेशन के रूट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं और इसके रूट ये देखिए कितना बार बार माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। आपको ध्यान है आपका कितना टाइम सेव, टाइम सेविंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रैंकिंग, अच्छी रैंकिंग के लिए बहुत जरूरी है। अब इसमें बोला क्या सुनिए, लेट जेड नॉट बी अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1 = 0 इफ z = 3 + 6i जेड नॉट टू दी पावर 81 माइनस 3i जेड नॉट पावर 93 देन आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, ऑप्शन है π/4, π/3, 0, π/6। अब समझिएगा कि इसके रूट्स हैं, जेड नॉट रूट्स हैं, इसका मतलब जेड नॉट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आप कीवर्ड समझिए, ये पावर 81 है, ये पावर 93 है, 3 का मल्टीपल है, ओमेगा में 3 का पावर मल्टीपल हो बिना देखे आप 1 लिख दीजिए, यानी आपको एक्चुअल में क्वेश्चन ये दिया है भाई 3 + 6i - 3i, यानी z = 3 - 3i, इसका आर्गुमेंट पूछा है, तो थीटा इक्वल टू राइट, इसका आर्गुमेंट पूछा है आपसे, तो थीटा इक्वल टू मैंने अभी आपको बोला tan−1/1, 3/3 लिखते आप 1 एंड दिस इज π/4। देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यही चीजें अगर आपने डेवलप कर ली। अब समझिए आपने क्या करा, 3 + 6i, अब आप यहां पे लिखने के में लगे हुए हैं, नो नीड ना, क्या जरूरत है, या ओमेगा की पावर, कोई जरूरत ही नहीं। यहां पर आपको लगता है कि स्टेप सेव कर सकते हैं, वहां पे स्टेप सेव करके करिए तो क्वेश्चन, आपसे अपने आप क्वेश्चन बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना बने आपसे, आपके बस कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आप क्वेश्चन बहुत इजिली सॉल्व कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया है, समझिएगा उसको अच्छे से, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। क्वेश्चन है, लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट मॉड जेड प्लस जेड इक्वल टू 3 + i, ठीक है, लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, इसमें कई बार लोकस भी पूछते हैं वो भी बताऊंगा अभी, जेड मॉड जेड प्लस जेड इक्वल टू 3 + i देन मॉड जेड इक्वल टू, ये पूछा आपसे, मतलब ये जेड बताना है, ऑप्शन दिए 5/4 √41/4 √34/3 5/3 राइट। कैसे करेंगे बताता हूं, आपको कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन मिलेंगे, z − 2i = 4 देन लोकस ऑफ जेड, z − 3 = 4 × z + 3i देन लोकस ऑफ, इसमें बस सभी क्वेश्चन में जेड के प्लेस पे x + i रख दें, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, ये सब तो इजी क्वेश्चन रहते हैं। अब मैं बात करता हूं यहां पर कि आपको बोला गया है मॉड जेड प्लस जेड इक्वल टू 3 + i देन मॉड जेड क्या होगा। अब एक चीज अच्छे से समझिए कि मॉड जेड जो भी हो, पर एक चीज आपको समझ में आ रही है कि ये एक रियल नंबर है,
yes or no, क्योंकि mod आ गया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड रियल नंबर पे आ जाता, तो z इक्वल टू 3 माइनस मॉड z प्लस ऑफ आयोटा, यस और नो। अब थोड़ा सा लॉजिक से सोचिए, ये पूरा रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इस z को मैं ऐसा लिख सकता हूं x प्लस आयोटा। बताइए x प्लस आयोटा क्यों लिखा, मान लो आयोटा y भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, कंपेयर करते आप तो y की वैल्यू 1 आ जाती, y की वैल्यू 1 आ जाती, देखिए y 1 आ गया और x की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस मॉड ऑफ z। दो अननोन बढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको सही, आप मत भी नहीं भी करोगे तो चलेगा, जेड इक्वल टू चलो लिखा रहने दो एक्स प्लस आयोटा वाई, लिखना नहीं था। अब आप बताइए मुझे कि आपको एक तरह से ये क्या मिल गया, एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस आयोटा इक्वल टू थ्री माइनस, अब आप उसको रियल को रियल से कंपेयर करो, यह आपने कंपेयर कर दिया तो क्या हुआ बोलो, एक्स इक्वल टू थ्री माइनस एक्स प्लस आयोटा, वाई की वैल्यू 1 आ गई, यानी एक्स माइनस, ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि एक्स प्लस आयोटा का मॉड इक्वल टू 3 माइनस एक्स, या इसको ओपन कर दीजिए तीन स्टेप समझाने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 माइनस 6x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, 6x इक्वल टू 8 देन x इक्वल टू 4 बाय 3, यानी बेसिकली z क्या आ गया 4 बाय 3 प्लस आयोटा, क्योंकि y की वैल्यू 1 है, और इसका आपसे मॉड पूछा है तो 16 बाय 9 प्लस 1 दिस इज 5 बाय 3, यानी सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस ढंग से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार फिर समझा देता हूं, इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, समझिए क्या है, यहां पर कंपेयर किया गया है, आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहीं छोड़ा, इसको ट्रांसफर किया, ये पूरा रियल पार्ट है, ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है, यस और नो। इसको आपने लिख दिया एक्स प्लस आयोटा वाई 3 माइनस मॉड जेड प्लस आयोटा, तो x हो गया 3 माइनस मॉड जेड और y का वैल्यू हो गया 1 बस, और स्क्वायरिंग करके आपने यहां से x फाइंड आउट कर लिया, y क्योंकि ऑलरेडी 1 था। यानी क्वेश्चंस को अगर आप सही अप्रोच से सॉल्व करोगे तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप क्वेश्चंस को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक और क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ है इस क्वेश्चन से, और आपको आइडिया लगेगा कि बेसिकली करना क्या होता है। अब हम क्विक रिवीजन में बहुत डिटेल तो नहीं जा सकते, पर मैं बिल्कुल श्योर हूं कि इतने से भी आप जेई में इसमें जो क्वेश्चन आएंगे एटलीस्ट वो क्वेश्चन आप, जैसे एक और क्वेश्चन देखिए क्या, इफ जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा गिवन है अल्फा बिलोंग टू रियल नंबर इस प्योरली इमेजनरी, ये क्या दिया है, इस प्योरली इमेजनरी नंबर मॉड जेड इक्वल टू दिया है 2 देन वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन है 1 2 रूट 2 एंड 1 बाय 2। अब देखिए यहां पर समझिएगा, ये दिया हुआ है क्या होगा, ये अगर दिया हुआ है तो मॉड जेड कितना दिया है 2, तो आप चाहें तो जेड को 2 आयोटा ले लें, क्योंकि मैं इसका मॉड निकालूंगा तो 2 आयोटा ही मिलेगा। ये कहां पे कैसे कर सकते हो, तो देखिए क्या करेंगे, 2 आयोटा माइनस अल्फा 2 आयोटा प्लस अल्फा, मतलब बेसिकली आपको एक तरह से ऐसा दिया माइनस अल्फा प्लस 2 आयोटा, अल्फा प्लस 2 आयोटा, बस आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए। और ये बोला क्या गया है, ये बोला गया है इस प्योरली इमेजिनरी नंबर, यानी इसका अगेन रियल पार्ट 0 होगा, अगर इसका रियल पार्ट 0 होगा तो आपको पता अल्फा माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, राइट right? तो ये क्या हो गया, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 देन अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 2 देन 2 इज अ राइट आंसर, करेक्ट, क्लियर है बात। यानी आप कितने स्पीड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप बेसिकली कंसेप्चुअली स्ट्रांग हैं, पढ़ने का तरीका आपका राइट है, बहुत टफ पढ़ाई नहीं, बहुत लॉजिक कंसेप्चुअल पढ़ाई करने की जरूरत होती है इसको लाने के लिए, ये ध्यान रखिएगा आप। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, यस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं देखिए, और देखिए कॉम्प्लेक्स में ही आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, आप चाहते थे कॉम्प्लेक्स का रिवीजन करें और मैं बोल रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स में ही सबसे जल्दी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूं, स्पेशली कि वो टॉपिक्स जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मुझे वो टॉपिक्स में बहुत मजा आता है, उसका बहुत बेसिक से फाउंडेशन करवाया हुआ तो कभी प्रॉब्लम नहीं होती, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ, फंक्शन हुआ, डेफिनेट इंटीग्रल हुआ, ये सब टॉपिक्स बहुत इजीली कर सकते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखें, माइनस 2 माइनस 1 बाय 3 आयोटा की पावर 3 इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन 27 वेयर एक्स एंड वाई रियल नंबर देन वाई माइनस एक्स इक्वल टू, ये पूछा है माइनस 85
85, 91 और -91 ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, 3 का क्यूब 27 होता है तो रिजेक्ट, मतलब एक तरह से -6 -i का क्यूब सॉल्व करके कंपेयरिंग कर लेनी है, बस खत्म। अब माइनस को चाहो तो बाहर भी रख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या करना है, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ही लगाना है। तो a क्यूब 216 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर -1 माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब -1 होता है, इक्वल टू x प्लस आयोटा y। बस करते समय ध्यान रखना है कि कहीं कोई मिस्टेक्स ना हो। अब देखिए ये 216 है, ये माइनस का 18 है, इसका मतलब ये मिला -198, ये माइनस हो जाएगा। 216 ये कितना -18, पर ये माइनस का मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां पर आएंगे तो ये देखिए ये रियल पार्ट है, 36 × 3 करेंगे तो 9108 माइनस, तो ये मिलेगा आपको प्लस का माइनस का सॉरी माइनस का 107 आयोटा, राइट। अब x और y से कंपेयर कर दें तो x कितना है, x है -198, y है इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है। अब आपसे y माइनस x पूछा है, -107 -198, एक चीज समझ लो कि ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, यानी 198 में 107 को माइनस ही करना है। सबसे पहले तो आंसर प्लस आएगा, और कौन सा आएगा, तो ऑब्वियसली 91 इज अ राइट आंसर। यानी छोटी छोटी चीजें बिल्कुल 27 लिखने की जरूरत नहीं, यहां का कैंसिल हो गया। हर एक क्वेश्चन पे अगर आप लॉजिकल तरीके से चलेंगे तो आपसे कभी भी मिस्टेक्स नहीं हो सकती, राइट। नोट करिए क्वेश्चन को, यस एक और क्वेश्चन देखते देखिए क्या आया हुआ है, आपको आइडिया लग जाएगा अपने आप की क्या कर रहे हैं हम, कहां पे क्या क्या मिस्टेक हो सकती है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको देखें हम तो इसमें बोला है रूट ऑफ 3/2 प्लस आयोटा बाय 2 की पावर 5 प्लस रूट ऑफ 3/2 माइनस आयोटा बाय 2 की पावर 5 रियल जेड इमेजिनरी जेड रिस्पेक्टिवली डिनोटेड आर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब आपको इसमें ऑप्शन दिया, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ये ऑप्शन तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, मैंने आपको क्वाड्रेटिक के रिविजन में भी ये चीज समझाई थी, कॉम्प्लेक्स के रिवीजन में भी, देखिए वही क्वेश्चन आया, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो फाउंडेशन कोड तैयार किया गया अगर आपने उससे पढ़ा तो ऐसा होगा नहीं कि ना बने, बस शर्त है कि आप उससे बहुत अच्छे से पढ़ें, हर चीज के कंसेप्ट बनाएं, अपने आप बनेगा इक्वल टू -3 और डी है इमेजिनरी जेड इक्वल टू 0। अब देखिए अगर आप ध्यान दें तो ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का सीधा सा लॉजिक है कि पावर सेम है, इमेजिनरी पार्ट हमेशा 0 होता है। देखिए एक ही आंसर है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, क्वेश्चन सॉल्व। और रियल पार्ट क्या होगा, अब इसमें क्योंकि देखिए इमेजिनरी ग्रेटर देन जीरो तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्यों चेक करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पता है आपको रियल जेड माइनस 3 होगा नहीं क्योंकि इसमें रूट भी निकलेंगे तो इसकी भी जरूरत नहीं, सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, आप क्वेश्चन को इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हैं। और वो भी वो चीज बताई मैंने जो आपको थ्योरी में पढ़ाई हुई, आपने एक स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरा समझिएगा, और मैं आपको बोलूंगा कि कुछ टॉपिक्स पे जिनमें जहां ज्यादा कंफ्यूजन होता है उन्हीं टॉपिक को आप बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं, अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है तो जो टॉपिक में मिस्टेक कर रहे हैं वो मिस्टेक वाले टॉपिक आप कमांड कर लीजिए, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर, पॉपुलेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रल। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, लेट जेड वन एंड जेड टू टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉड जेड वन इक्वल टू दिया 9 मॉड जेड टू -3 -4 आयोटा इक्वल टू दिया है 4 वैल्यू ऑफ मॉड जेड वन माइनस जेड टू, इसकी मिनिमम वैल्यू बताना है 0, 1, 2, √2 ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं। यस तो ये इसके ऑप्शन हो गए 0, 1, 2, √2। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो समझिएगा जरा अच्छे से। मॉड जेड वन 9 है, मॉड जेड टू -3 -4 आयोटा इक्वल टू 4 है, आपको ये बताना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड वन माइनस जेड टू, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड वन माइनस जेड टू। अब क्या करेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड वन माइनस जेड टू के लिए, समझिएगा थोड़ा सा कि सबसे पहले आप याद रखिए मॉड जेड इक्वल टू ए दिया तो इस समय सर्कल का सेंटर 0, 0 होता है और रेडियस ए होता है, और अगर कभी जेड माइनस जेड वन दिया हो इक्वल टू ए तो इस समय सेंटर एच के हो जाता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें क्या दिया हुआ वो समझे, हम पहले जेड वन दिया है यानी ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर है 0, 0
और रेडियस है 9, राइट ये पता है ना, क्योंकि देखिए क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू ए, मॉड हटाया स्क्वायरिंग हो गई, दिस इज सर्कल, वैसे ही सेम। इसको भी अगर मैं देखूं तो दूसरा सर्कल है, इसको मैं ऐसा लिख सकता था अंदर ही, x माइनस 3 प्लस आयोटा वाई माइनस 4 इक्वल टू 4, यानी इस सर्कल का सेंटर है 3, 4 और रेडियस है 4 यूनिट। अगर मैं दोनों सेंटर का डिस्टेंस निकालूं C1 C2 तो देखिए कितना आएगा, देख के पता चल रहा है 5, इसका डिफरेंस कितना है, रेडियस 1 रेडियस 2, R1 माइनस R2 इज ऑल्सो 5, यानी सर्कल टचेज इंटरनली, तो Z1 Z2 क्या लोकस सर्कल पे कहीं पॉइंट है, तो इसका मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस विल बी 0। यानी कंसेप्चुअली आप समझो कि क्वेश्चन टफ नहीं होते, बेस के लॉजिक क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स आना चाहिए, स्टेप्स आपको सेव करना चाहिए, अगर ये सब आता है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को,